वैसे मेरी प्रॉब्लम पैसों की नहीं, स्वाभिमान की है। मुझे अपने बेटे का कुछ कर्जा चुकाना है। मैं बड़े बच्चों को तो नहीं, लेकिन छोटे बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। हमारे यहाँ टीचर की कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ, वॉचमैन की वैकेंसी जरूर है। ऐसी भी कोई नौबत नहीं आ गई कि आपको वॉचमैन की नौकरी करनी पड़े? बेटा, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। और बात मजबूरी की नहीं है, बात स्वाभिमान की है। लड़कों से एग्जाम है भाई। पास होने का बस एक ही तरीका है दोस्त, चोरी। क्वेश्चन पेपर की चोरी। मेरे रहते हुए क्वेश्चन पेपर चुराना इज आउट ऑफ क्वेश्चन। ये बुड्ढा बहुत टेढ़ा है भैया। बहुत टेढ़ा हूँ मैं? टेढ़े को समझाना मुझे अच्छी तरह से आता है दोस्त। अच्छा, चल चल भैया। कहाँ जा रहा है? जाने दो मुझे। थे हावड़ा पटरी से उतर गई? तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने सपने में देखा कि हावड़ा पटरी से उतर गई? कोई नई बात नहीं है। शादी के बाद सपने में आपको मैं कम दिखाई देती हूँ, हावड़ा ज्यादा दिखाई देती है ना? चलिए सो जाइए और कोशिश कीजिए सपने में मुझे देखने की। सो जाइए, चलिए। बज रहे, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? क्वेश्चन मार्क, कुछ अजीब सा लग रहा है। डॉट 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 डॉट। मयूरी, मयूरी, तुम बहुत अच्छी हो मयूरी कॉमा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी कॉमा, तुम बहुत सुंदर हो मयूरी फुल स्टॉप। और तारीफ करो ना, चुप क्यों हो गए? मयूरी, मुझे बाबूजी की याद आ रही है। डॉट 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 डॉट। याद आ रही है तो फोन कर लो। ओह हाँ, बाबूजी को फोन करता हूँ। बाबूजी फोन क्यों उठा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। मयूरी, बाबूजी फोन नहीं उठा रहे हैं, फुल स्टॉप। मयूरी को लगता है बाबूजी ड्यूटी करते करते सो गए होंगे, हम भी सो जाते हैं। नहीं मयूरी, ये नामुमकिन है, फुल स्टॉप। मयूरी, बाबूजी ने अपनी जिंदगी में हर काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया है। डॉट 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 डॉट। वो ड्यूटी पे सो नहीं सकते, फुल स्टॉप। तुम सो जाओ मयूरी, फुल स्टॉप। मुझे नींद नहीं आ रही है, सुबह होते ही मैं खुद जाकर बाबूजी को लेकर आऊंगा। डॉट 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 डॉट। संभाल के बाबूजी, संभाल के। बाबूजी, बाबूजी, दीदी, बाबूजी को क्या हुआ? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुपचाप खड़े क्यों हो? बोलो। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुपचाप क्यों खड़े? बोलो बोलो बोलो। ये मत बोलो भाभी, वरना भैया को आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। और इस वक्त भैया का तारीफ करने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। कपू, आज पहली बार तूने अपने छोटे भाई होने का फर्ज निभाया। डॉट डॉट डॉट।
आज मेरा मन तेरी तारीफ करने को कर रहा है पगले। खबरदार जो मयूरी के अलावा और किसी की तारीफ भी की। ये बताइए बाबूजी को ये कैसे हुआ? बाबूजी बोलिए ना। बेटा कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस जरा सी चोट आई है। अब बेटा चलो। बेटा बेटा जल्दी आराम से। घबराने की बात नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। अरे हावड़ा का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बाबूजी का। बाबूजी को चोट लगी है। हाँ आइए। बाबूजी को मैं ठीक हूँ बेटा। चलिए बाबूजी अंदर चलिए। बाबूजी लेकिन वो दोनों रात को स्कूल में क्या करने आए थे? समझ में नहीं आ रहा। चोरी करने आए थे बेटा, चोरी। अच्छा, चौक और ब्लैक बोर्ड चुराने आए होंगे, है ना बाबूजी? हरिओम हरिओम। भैया हम बताएं, मेज और कुर्सी चुराने आए होंगे, वो भी तो वहाँ होती है। बेटा मेधर वो स्कूल है, फर्नीचर की दुकान नहीं जहाँ कुर्सी और मेज चुराने जाते। बेटा वो वहाँ पेपर चुराने आए थे, पेपर। हे राम, न्यूज़पेपर चुराने आए थे? उनको चुराने की क्या जरूरत थी? हमारे पास तो बहुत सारे, हमसे मांग लेते हम दे देते, है ना बाबूजी? अबे मेंढक के भाई गधे, न्यूज़पेपर नहीं प्रश्न पेपर। हाँ एग्जाम पेपर चुराने आए थे वो। दादाजी। गिल्लू मेरे पास। बेटा गिल्लू तू बॉर्डर पार करके कैसे आ गया बेटा? पापा आई मीन दादाजी, मुझे पापा ने बोला कि दादाजी को जाके देख क्या। बेटा तूने बहुत अच्छा किया, तू आ गया, अब दादाजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। गिल्लू तुम्हारे दादाजी ना वेरी ब्रेव, पता है क्वेश्चन पेपर के लिए इन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी। मैं अगर अपनी जान खतरे में ना डालता तो वो गुंडे पता नहीं कितने बच्चों का भविष्य खतरे में डाल देते। बाबूजी हम भी ना बड़े होके अपनी जान खतरे में डालेंगे। डाल देना बेटा डाल देना। चलो मिंडू गिल्लू दादाजी को अभी आराम करने दो, ठीक है? आ जाओ चलो। गिल्लू को क्यों ले जा रही है बेटा? आप आराम कीजिए और कुछ चाहिए तो बोलिए। हाँ चलो वेल सुन दादाजी, आ जाओ चलो। बाबूजी धीरे बेटा धीरे। हरिओम बाबूजी। हरिओम। जीतना बेटा जीतना। कैसी तबीयत है बाबूजी? बेटा ठीक है अभी तो। अब भी बुखार है आपको? नहीं बेटा वो गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर रहे थे ना, इसलिए तुझे लगा। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं सारी दवाइयाँ ले आया हूँ। कभी आपकी एक्सरे रिपोर्ट लेने गया है डॉक्टर। डॉक्टर बाबूजी डॉक्टर ने आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करने को कहा है, फुल स्टॉप। गधा प्रसाद जब तक बाबूजी ठीक नहीं हो जाते तो उनको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, फुल स्टॉप। ठीक है भैया, लेकिन बाकी लोगों को तो कर सकते है ना। बेटा मेरी तो इस वक्त बस एक ही परेशानी है। मैं समझ रहा हूँ बाबूजी, लेकिन बाबूजी इस हालत में आपका नौकरी करना तो दूर, बेड से उठना भी मना है, फुल स्टॉप।
बाबूजी सर पर कितनी चोट लगी फुल स्टॉप। बेटा सर पे कर्जा भी तो बहुत है, घर में बैठूंगा तो घोटे का कर्जा कैसे उतरेगा बेटा। नहीं बाबूजी आप कहीं नहीं जाएंगे फुल स्टॉप। वो जो ऊपर बैठा है ना वो सब ठीक कर देगा बाबूजी फुल स्टॉप। ऊपर ऊपर तो छत पे, और छत पे तो कपी भैया रहते हैं। बाबूजी इसका मतलब कपी भैया सब ठीक कर देंगे? गधा प्रसाद मैं भगवान की बात कर रहा हूँ फुल स्टॉप। भैया भगवान तो मंदिर में छत पे नहीं है। हरिओम हरिओम। अच्छा बाबूजी आप आराम करो, पेंशन मेंशन टेंशन क्रिएशन ई। नहीं बाबूजी उसके पैर दबाते थे। नहीं बेटा नहीं, तू भी तो आराम कर बेटा, थक गया होगा। नहीं बाबूजी। बेटा मयूरी इंतजार कर रही होगी, तू जा। हाँ मयूरी मेरा इंतजार कर रही होगी डॉक्टर। डॉक्टर मैं जाता हूँ बाबूजी। जब पुराना साल होता है खत्म और नए साल का पड़ता है कदम, तो ऐसे में लेकर आते हैं हम आपका अपना मन पसंद नौ कदम नौ कदम नौ कदम। बाबूजी आपका बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। उतर जाएगा बेटा, बहुत दिनों बाद आया है ना। नौ कदम नौ कदम नौ कदम। बेटा ये क्या शोर हो रहा है? बाबूजी वो नौ कदम साइकिल चलाने का कंपटीशन है, जो भी नौ दिन नौ रात तक लगातार साइकिल चला पाएगा उसे ₹1,00,000 कैश प्राइज दिया जाएगा। हरिओम हरिओम। नौ दिन और नौ रात लगातार साइकिल चलाएगा, इसमें तो जान का खतरा भी हो सकता है बेटा। बाबूजी कोई तो होगा जो खतरों का खिलाड़ी बन के हिस्सा ले ही लेगा। ये लीजिए आप ये दवाई ले लीजिए। इसमें कभी खुशी है तो कभी है गम, हंसी भी आएगी तो आंखें भी होगी नम, ये नहीं है किसी रियलिटी शो से कम। इन लोगों को हमारे मोहल्ले में नहीं आना चाहिए था। हमारे यहाँ कोई इतना बेवकूफ नहीं है जो नौ दिन नौ रात लगातार साइकिल चला लेगा। पापा इधर क्या, पूरे बनारस में ऐसा कोई नहीं कर सकता। पिछले साल जो कंपटीशन जीता था वो तो गोवा से आया था। गोवा से? गोवा एक्सप्रेस से आया होगा। हावड़ा से आता तो उसका क्या चला जाता। पापा हावड़ा अगर उधर जाती तो आता ना। बात तो तेरी सही है बेटा। नो कदम नो कदम नो कदम। हेलो भाई साहब। हेलो आप रॉन्ग एड्रेस पे आए हो। एक्चुअली इस घर में अकेला मैं ही कुमार हूँ और मेरी सेटिंग मेरी मेमो से हो चुकी, रब ने बना दी छोड़ी। अभी आप जा सकते हैं, मेरा शादी का कोई प्लान नहीं है। नहीं नहीं सुनो, आपकी गलतफहमी हुई है, शादी करवाने नहीं आए हैं हम, शादी शुदा को सहने पड़ते हैं सितम। अरे हम तो लेकर आए हैं सनम आपका अपना पसंदीदा नौ कदम नौ कदम नौ कदम। हम गधा प्रसाद जी से मिलने आए हैं। एक मिनट गधा प्रसाद किसी काम में बिजी है, क्या काम है आप लोगों को? अरे उनको भाई गुलदस्ता देना है, माला पहनानी है, उनका स्वागत करना है। आइए आइए गधा प्रसाद जी आइए। अरे माला बिना पहना हाँ, फोटो फोटो कैसे भाई ले लो। तो गधा प्रसाद जी कल सुबह ठीक 9 बजे यहीं चिड़ियाघर के सामने। अरे क्या चिड़ियाघर के सामने ठीक 9 बजे? मतलब आपको अभी तक पता नहीं, गधा प्रसाद जी कल सुबह 9 बजे से दिन रात 9 दिन तक यहाँ साइकिल चलाने वाले हैं। आप वादा कर चुके हैं सनम, अब पीछे मत हटाना कदम, देखने सब आना तुमको है कसम, आपका अपना पसंदीदा नौ कदम 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 नौ कदम। मैंने कह दिया बस तू साइकिल नहीं चलाएगा। बाबूजी हम नौ कदम में अपना नाम उसी दिन लिखवा आए थे जिस दिन अपनी गुल्लक आपके पास लाए थे,
जो खाली थी हमारे दिमाग की तरह। बाबूजी, हमारे लिए आपकी हर जेब, हर गुल्लक हर वक्त खुली रहती है, पर आज जब आपको पैसों की जरूरत है तो हम आपके किसी काम नहीं आ रहे। हमको अपने आप पे बहुत गुस्सा आया बाबूजी। बाबूजी, हम अगर रेस जीत गए तब भी गधे ही रहेंगे, पर खुशी इस बात की होगी कि हम अपने बाबूजी के किसी काम आए। समझने की कोशिश कर, इसमें तेरी जान जा सकती है। बाबूजी, अगर हमारी जान चली जाए तो चली जाए, पर ये दुनिया भी जान जाएगी कि गद्दा प्रसाद अपने बाबूजी से कितना जी जान से प्यार करता था। गद्दा प्रसाद, मैं तेरे हाथ जोड़ दो, प्लीज तू ऐसी बेवकूफी मत कर, फुल स्टॉप। भैया, हमारे हाथ मत जोड़ो, हमको अपने इन हाथ से आशीर्वाद दो, हमारा आत्म बल बढ़ाओ, है ना बाबूजी? इसे समझाना बेकार है, ये नहीं मानेगा बेटा, मुझे पता है, बहुत जिद्दी है ये। बाबूजी, हमको ना 9 दिन और 9 रात साइकिल चलानी है, हमको कुछ साइकिल टाइप का ज्ञान दो प्लीज। जब तू साइकिल चलाते चलाते थक जाए ना, तो मुकेश का गाना गाना। मुकेश जी के गानों से थकावट दूर हो जाएगी क्वेश्चन मार्क? ये गधा जब ढेचू ढेचू करके मुकेश का गाना गाएगा तो पब्लिक भाग जाएगी, कंपटीशन कैंसिल हो जाएगा और क्या। बाबूजी, आप आराम कीजिए। बाबूजी, हमको आशीर्वाद दीजिए। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद तो तेरे साथ ही है बेटा, जा भगवान तुझे कामयाबी दे। विनर इनर अंडरवियर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.